अजमेर जिले में एडीए ने बिना अग्रिम सूचना दिए लोहागल में 40 साल से रह रहे रहवासी लोगों के मकानों को जेसीबी से तोड़ दिया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने जमकर विरोध किया और मामले की सूचना आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को दी, जिस पर धर्मेंद्र राठौड़ तुरंत तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया और एडीए अधिकारियों से बात की, साथ ही मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। भरतपुर के बयाना में यातायात पुलिस नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे पड़ रही हैं। तीन नाबालिग बाइक सवारों ने एक बच्ची को टक्कर मार दी और बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। यहां आए दिन नाबालिग बच्चे खुले आम ड्राइविंग करते, दोपहिया वाहन दौड़ाते, तीन तीन चार चार सवारियों को एक साथ बैठा कर लापरवाही पूर्वक वाहन दौड़ाते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस अनदेखी कर इन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नोटबुक लेके आ रहा था, नोटबुक लेके आके सामने से देख रहा है कि कम से कम 180-100 की स्पीड में एक बाइक आ रही है, तो मैं तो साइड में खड़ा हो गया। मेरे बगल में 3-4-5 बच्चे थे, मेरे जहाँ मेरी बाइक खड़ी उसके सामने एक बच्ची खड़ी थी, तो जैसे ही वो आए पहले तो उन्होंने बच्ची में टक्कर दिए, बच्ची में लग के बच्ची साइड में गिर गई है, उन्होंने मेरी बाइक मार के बाइक तीन लड़के थे, तीनों लड़के मेरे ऊपर थे, बाइक मेरे ऊपर थे, या शायद गीतांजलि हॉस्पिटल में और फुटेज में आप लोग दोगी वो, और बड़ी यानी कि जैसे ही टक्कर मारी है वो बाइक छोड़ के तीनों भाग गए, और हम देख रहे हैं बाइक का रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर लोग वहाँ आ भी गए, कुछ उनके साथी भी थे जो एक तरह से हमारे ऊपर ही चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो क्या है यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई तो हम सब लोगों ने उनकी बाइक पकड़ ली और वो भाग गए। नागौर के थावला में दानेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को हरी झंडी मिलने पर थानेश्वर नवयुवक मंडल समेत ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार और संबंधित विभाग का आभार जताया। वहीं उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मंदिर की दीवार के चारों तरफ बैठे अस्थायी दुकानदारों को पुलिस द्वारा समझाइश कर हटवाया गया। नमस्कार सभी थामला वासियों को, जैसा कि आप सभी को विदित है थानेश्वर महादेव मंदिर का कार्य जो है आज से प्रारंभ हो चुका है और इस कार्य के लिए हम पुरातत्व विभाग को और गवर्नमेंट सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी इसमें सुनवाई हुई और मंदिर की जीर्णोद्धार का कार्य जो है जल्द से जल्द शुरू करवाया, और हम यही चाहेंगे कि जितना अच्छे से काम हो सके सारा सब कुछ मरम्मत हम हमारी निगरानी के अंदर सारा काम करेंगे और जितना जो कुछ अच्छा हो सकता है सुदृढ़ काम हो सकता है उसके लिए हमने आप देखेंगे इस तरफ की आज जो दीवारें पहले से जो मिट्टी के अंदर चली हुई थी उन सबको गिरवा दिया गया है कंप्लीट यहाँ से, और उसके बाद नई सीमेंट के अंदर सीमेंट और बजरी अच्छे मटेरियल के अंदर हम लोग ये काम करवाना चाह रहे हैं, तो हमने इसके लिए पुरातत्व विभाग से भी बात करी तो वो लोग सब इसके अंदर एग्री हुए और ये भी बहुत खुशी की बात है कि सारा काम बहुत अच्छे से और सुदृढ़ तरीके से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रोहिता सिंह राठौड़ है और मैं इस थानेश्वर सेवा समिति से ही जुड़ा हुआ हूं और हम लोग पिछले 3 साल से मंदिर के लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा और आज मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाऊंगा थावला कस्बे के थानेश्वर महादेव मंदिर की। आप मेरे बैक साइड में देख पा रहे हैं कि ये जेसीबी मशीन यहाँ के मंदिर की दीवार को तोड़ रहे हैं। पुरातत्व विभाग के आदेशानुसार और राजस्थान सरकार के आदेशानुसार इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत आज पुरानी दीवारें जो गारे के अंदर बनी हुई है उनको तोड़कर नया कार्य शुरू हो रहा है। आप मंदिर के ऊपर की साइड में भी देख पाएंगे कि किस प्रकार से रंग रोशन का जो है कार्यक्रम शुरू हुआ है और यहाँ जो ये पुरातत्व विभाग द्वारा ये सराहनीय कार्य जो शुरू हुआ है इसके लिए थावला ग्रामवासियों ने आभार जताते हुए उनका धन्यवाद भी अर्पित किया है। मैं बताना चाहूँगा कि कार्यालय वर्त अधीक्षक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग अजमेर के वर्त अजमेर द्वारा आज एक नोटिस जारी करते हुए एक आदेश जारी करते हुए पुराने दीवारों को तोड़कर इसके आस पास में जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उनको हटवाते हुए यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है ताकि बिना किसी लाभ के उसके ये कार्यक्रम शुरू हो सके और इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो सके। आइए देखते हैं तो इसे जल्द ही। शाहपुरा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत महलों के चौक से साइकिल रैली निकाली गई। रैली को निर्वाचन विभाग के सुनील सुखवाल एवं स्वीप प्रभारी प्रधानाचार्य ईश्वर मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वीप कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली को नगर के विभिन्न मार्गों से निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। राजगढ़ के पिनान में
परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा नेता बनाराम मीणा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भव्य स्वागत किया। परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित सभा में डिप्टी सीएम मौर्य लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस की सरकार जनता के साथ विश्वासघात करने वाली सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने नारा देते हुए कहा कि टिकट चाहे जिसे मिले, कमल का फूल जरूर खिले, बाकी सब कुछ जाओ भूल, लेकिन याद रखो 56 इंच के नरेंद्र मोदी के सीने का कमल का फूल। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कांग्रेस की कुशासन सरकार को हटाकर सुशासन सरकार लाने की बात कही। आपने 13 में कमल खिलाया, 14 में कमल खिलाया, लेकिन 18 में थोड़ी सी चूक हो गई और आपसे झूठे वादे करने वाले सत्ता में आ गए। जो झूठे वादे किए, जो विश्वासघात किए, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जैसे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, वैसे दिल्ली और जयपुर में एक पार्टी की सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? दोनों हाथ लगा जोड़ सकते हैं, तीसरी बार बनेगी कि नहीं बनेगी? 2023 में आप कमल खिलाओगे और 2024 में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? अभी जिनकी बात आपने सुनी, देश के सबसे बड़े राज्य जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ हो, जहाँ रामलला का मंदिर का निर्माण हो रहा हो, जहाँ से मोदी सरकार की विजय यात्रा की शुरुआत हो, ऐसे उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में चलकर आए वहां के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साहब इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में जिनका नेतृत्व हमें मिल रहा है, यह सब जन का घोड़ा जो घोड़ा मेरी नाव से प्रारंभ हुआ था, आज राजगढ़ के इस गांव में है। ऐसे हमारी यात्रा के संयोजक अगर आप चुप नहीं हो तो मैं बंद कर दूं, चुप बंद कर दूं। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने नवसृजित ग्राम पंचायत के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री जूली सहित मौजूद गणमान्य लोगों को साफा पहनाकर स्वागत किया। मंत्री जूली ने बताया, नई पंचायत बनने से और विकास बढ़ेगा, बजट अधिक आएगा तथा पंचायत राजस्व सहित अन्य विभाग के कर्मचारी भी अलग अलग से बैठेंगे। इस अवसर पर सरपंच, पंचायती राज विभाग के कर्मचारी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। मैं महाराजा भर्तृहरि के इस पावन स्थान पर जहाँ पे मेला भर रहा है, वहाँ आज जितने भी श्रद्धालु जो लोग पधारे हैं उन सब का स्वागत करता हूँ और मेले की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये लक्की मेला जिसके अंदर देश प्रदेश और विदेश तक के जो लोग आते हैं वो अपनी अपनी मन्नत लेके आते हैं, अपनी मन्नत यहाँ पे मांगते हैं और बाबा के आशीर्वाद से मन्नत पूरी होती है। और मैंने भी अपनी अरदास लगाई है बाबा के दरबार में और बाबा उसको भी पूरी करेगा और सब लोगों की भी जो मन्नत है वो पूरी होंगी, ऐसी मेरी कामना है। सांचौर जिले के बोकाड़ियावास से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ एक माँ ने अपने दो बच्चों के साथ टांके में कूद कर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और मृतकों के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।